सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने भ्रष्टाचार के तंत्र को हिला के रख दिया है। भ्रष्टाचारी वो किसी भी लेवल पे हो, वो टॉप टू बॉटम जहां भी बैठा है, उसके मन में डर पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और जो कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। वो चाहे स्कूल के लेवल पे हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, इंजीनियरिंग लेवल पे हो, जहां भी जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की, दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है, और इस सफलता ने भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। और सत्ता में जहां भी जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं, वो अब साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात लगाने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने बतौर विजिलेंस मिनिस्टर एक बड़ा फैसला लिया था। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट घोटाला हुआ था, सीएनजी फिटनेस स्कैम। उस मामले में सीबीआई के ऑफिसर्स तक ने लिखा है, मैं आपको कोट अनकोट एक दे रहा हूं, इंक्वायरी हैज दस एस्टेब्लिश्ड दैट द रिक्वेस्ट ऑफ एसीबी फॉर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द अफोरसेड टू सेट ऑफ ऑफिसर्स वॉज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन इन द मैटर, बट दिस वॉज प्राइमा फेसाई इरेगुलरली डिक्लाइंड बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये बहुत सीरियस इशू था। कल ये फाइल कुछ दिन पहले मेरे पास में आई थी और मैंने इसको एग्जामिन करने के लिए कहा था कि इसको एग्जामिन कर लें, क्योंकि बहुत सीरियस मसला है। बहुत एक सीनियर पोस्ट पे, सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए एक व्यक्ति से संबंधित मसला है। सीबीआई के ऑब्जर्वेशन बहुत सीरियस हैं, इसको बहुत गंभीरता से एग्जामिन किया जाए। और कल जब मैंने उसको एग्जामिन होने के बाद वो मेरे पास आई फाइल और मैंने इसमें जांच के आदेश दिए, तो उसके बाद से अचानक पूरी दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। उधर चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी साहब से इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए कि लगभग 1 बजे सरकार इस बारे में आदेश देती है, उसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर अंदर एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर एक चीफ को इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश करी जाती है। एंटी करप्शन ब्रांच में ज्वाइंट कमिश्नर नाम का कोई पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी देने का आदेश पारित किया जाता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। जो पोस्ट ही नहीं है वहां कैसे किसी अधिकारी को लाकर बिठाया जा सकता है। एंटी करप्शन ब्रांच बहुत सफलतापूर्वक पिछले 3 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसको कमजोर करने के लिए एक तरह से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करके एंटी करप्शन ब्रांच को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करी जा रही है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये संविधान के भी खिलाफ है। इसके साथ साथ दूसरी घटना यह घटती है कि 4 महीने से मीडिया में भी चल रहा है इशू, हाईकोर्ट में चल रहा है, मीडिया ने कई बार उठाया है, दोनों पक्ष रखे हैं मीडिया में, कि जो बार काउंसिल कह रही है या मंत्री जी जो कह रहे हैं जितेंद्र तोमर जी, वो दोनों पक्ष लगातार मीडिया में चल रहे हैं, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। कॉलेज का एफिडेविट हाईकोर्ट में जमा है। कॉलेज के एफिडेविट में बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा गया है कि जितेंद्र तोमर वहां पे स्टूडेंट थे और वहां से पास आउट हैं। उसके बावजूद कल जब ये जांच के आदेश हुए तो उसके बाद एक तरफ एसीबी के ऊपर चीफ इलीगल तरीके से थोपने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ शायद आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने की नीयत से जितेंद्र तोमर के खिलाफ एक और एफआईआर करके, और आज सुबह जिस तरह से जितेंद्र तोमर को उनके एमएलए दफ्तर से उठाया गया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी माफिया को उठाने के लिए आई हो पुलिस। 30-40 पुलिस वाले आते हैं और उनके दफ्तर में घुसते हैं, उनसे कहते हैं कि आपसे कुछ कागज देखने हैं, पूछताछ करनी है, घर पे चलिए। उनके घर ले जाने के बहाने उनको गाड़ी में बिठाया जाता है, रास्ते में चलती गाड़ी में उन्हें कहा जाता है कि आप अपने ड्राइवर को उतार दीजिए, पुलिस अब गाड़ी चलाएगी। उसके बाद उनकी गाड़ी से ड्राइवर को उतार के पुलिस अपने गाड़ी में उनकी गाड़ी को अपने पोजीशन में लेती है और फिर उन्हें कहती है कि अब आप ऐसा करिए, जो पेपर है वो थाने मंगा लीजिएगा, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जितेंद्र तोमर माफिया है, जितेंद्र तोमर कहीं भाग रहे थे, जितेंद्र तोमर ने बम ब्लास्ट किया है दिल्ली में या कहीं पे, उनके ऊपर एक आरोप है,
उसके पक्ष और प्रतिपक्ष में कुछ लोग अपने तर्क दे रहे हैं। अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि जितेंद्र तोमर को अरेस्ट किया जाए, वो भी ठीक उसी दिन या उससे अगले दिन, जिस दिन एक बड़े घोटाले को पुनः खोलने की कोशिश करी जा रही है, पुनः उसमें जांच की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसको छिपाने के लिए डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, सबक सिखाने की नसीहतें ये दी जा रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता ने बनाई है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बनाई है, और शायद इससे ज्यादा मैंडेट किसी सरकार को नहीं दिया, और सबसे बड़ा मैंडेट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का है। ये दिल्ली की जनता का काम है, हम लोग दिल्ली की जनता के काम में लगे हैं। दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें देकर आदेश दिया है कि जाओ और जाके दिल्ली सरकार में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है रोको, और जो जो भ्रष्टाचारी मिलता है वो किसी भी पद पर बैठा हो उसको जेल के अंदर डालो। अगर कोई भी आदमी इसमें आके टांग अड़ाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। 67 सीटें दी हैं दिल्ली की जनता ने हमें, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए दी हैं। अगर कोई आदमी दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के, दिल्ली की जनता के काम में अड़े आएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं आज ताकीद कर रहा हूं यहां पे बैठ के, और साफ साफ कह रहा हूं ये इलीगल है, और बदला लेने की एक तरह से सबक सिखाने की कार्रवाई के तहत एलजी साहब के जरिए दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालत लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें हम विचार कर रहे हैं आगे क्या एक्शन लें, उसके बारे में आपको बताएंगे। स्पीकर को इन्फॉर्म नहीं किया गया था गिरफ्तारी, वो शायद स्पीकर का रिएक्शन आ गया, स्पीकर साहब का रिएक्शन आ रहा है, वो बताएंगे क्या एक्शन लेंगे। एफिडेविट है कोर्ट में, कोर्ट में कॉलेज जितेंद्र, कम से कम एक महीने पहले, लगभग या डेढ़ महीने पहले जब ये इशू उठा था और काफी चला था, तो जितेंद्र तोमर की तरफ से बाकायदा चीफ मिनिस्टर को जवाब देके सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के लेटर, सब कुछ प्रेस में भी डाले गए थे। आप लोगों के प्रेस रिलीज में भी होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। अभी ये कॉलेज के एफिडेविट है हाईकोर्ट के लिए, ये कॉलेज के एफिडेविट है। अगर जितेंद्र तोमर ईमानदार है, उनकी विधि सच है, क्या आपको नहीं लगता कि नैतिकता का तकाजा था कि जब ये आरोप लगे हैं तो उस समय वो नैतिकता के आधार पर अपना कोर्ट तय किया? ये मामला चलता और दूध का दूध पानी का पानी होता। एक बार सामने आ जाए चीजें, एक बार जब मामला आया था तो फैक्ट्स भी तो होने चाहिए उसमें। सीबीआई की रिपोर्ट है, मुझे ये बताइए, जैसे वहां कोई आरोप लगा रहा है, एक मिनट, सीधे सीधे बात है, जैसे वहां कोई आरोप लगा रहा है कि ये एफिडेविट, ये तो इस कॉलेज का एफिडेविट है, कॉलेज का एफिडेविट साफ साफ कह रहा है मिस्टर तोमर हैज पास्ड एलएलबी पार्ट 1, 2 और 3 आफ्टर अपेयरिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। ये भाषा है जो कॉलेज के एफिडेविट में लिखी हुई है, इसको कैसे माने? फिर एक मिनट, और दूसरे रिपोर्ट में देखिए, साफ साफ कहा जा रहा है इंक्वायरी हैज एस्टेब्लिश्ड, और उसके बाद लिख रहा है कि मैटर बट दिस वॉज प्राइमा फेसे इरेगुलरली डिक्लाइंड बाय द ऑनरेबल एलजी। क्या उसके बाद में एलजी साहब को वहां रहना चाहिए? अगर सीबीआई ये कह रही है, मतलब ये है कि अगर एलजी को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं, तो जितेंद्र सिंह तोमर को भी अधिकार है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब कोर्ट केस कह रहा है, जब एफिडेविट कह रहा है, कॉलेज कह रहा है, तो ऐसे तो रास्ता चलता है, कुछ भी आरोप लगा दीजिए। तो आप कहेंगे कि एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए? इमरजेंसी के हालात नहीं लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश लोकतंत्र है, दिल्ली के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार चुनी है। हम कमिटेड हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने। इमरजेंसी के हालात नहीं लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश लोकतंत्र है, दिल्ली के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार चुनी है। हम कमिटेड हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। जो भी हम जो काम कर रहे हैं वो दिल्ली की जनता का काम है, जो भी इसमें आड़े आएगा हम उससे लड़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुनाए थे आप। तोमर की गिरफ्तारी पर सिसोदिया ने जम करके हमला किया है। इमरजेंसी जैसे हालात केंद्र की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है एलजी नजीब जंग की तरफ से, और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि एक माफिया की तरह जितेंद्र सिंह तोमर को उठा लिया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े संसार के बाद खबरें जारी।